यूपी के बहराइच से खबर है, जहां वर्ष 1998 में भिनगा कोतवाली क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में आज 23 वर्ष बाद फैसला आया। 4 हत्या आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 18 अप्रैल 1998 को हसिया और डंडों के हमले में राज नारायण युवक की मौत हुई थी। इस मामले को बचाने पहुंचे वादी मुकदमा गुरवचन के पुत्र राम उजागर पर भी हमलावरों ने जानलेवा हमला किया था। वादी की तहरीर पर भिनगा कोतवाली में 5 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। एडीजे चतुर्थ की अदालत ने अभयराज, शिशुपाल, भानु प्रताप और राम नारायण शुक्ल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय पर आज सत्य परीक्षण अभयराज शुक्ला आदि के मुकदमे में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें घटना वर्ष 98 की थाना कोतवाली भिनगा से मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा 302-307 आईपीसी में दर्ज हुआ था, जिसका आरोप पत्र भी न्यायालय में इन्हीं धाराओं में आया था। और ट्रायल के बाद न्यायालय ने इसमें सभी मुलजिमानों के ऊपर दोषी करार देते हुए, जिसमें एक मुलजिम की मृत्यु हो गई और 4 मुलजिमान अभयराज शुक्ला, शिशुपाल शुक्ला, भानु प्रताप शुक्ल और राम नारायण शुक्ल, इन 4 मुलजिमों को 302 आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। और अन्य धाराओं में भी 307, 323 अन्य धाराओं में भी दंडित किया है। और इसमें दौरान परीक्षण एक मुलजिम राम उजागर की मृत्यु हो गई थी, राम उजागर शुक्ल को इसलिए न्यायालय ने उपशमित किया है। और मामला इसका संक्षेप में ये था कि जमीनी विवाद के कारण दीवानी मुकदमा चल रहा था और दीवानी मुकदमा के द्वारा जारी कमीशन, मौके पर कमीशन करने के लिए कमिश्नर महोदय गए थे और घटना स्थल पर कमीशन नहीं करने दिया इन मुलजिमानों ने, और लाठी, हसिया और बल्लम बेरू से मारा था, जिसमें मृतक वादी मुकदमा गुरबचन का भतीजा था जो राजनारायण था, और एक इस वादी मुकदमा का लड़का इसमें चोटहिल हुआ था। इस प्रकार से न्यायालय ने गुण दोष पर मुकदमा की सुनवाई करते हुए और दोषियों को आजीवन कारावास से दंडित किया है।